हेलो गाइस, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज की अपनी ये 73rd वर्कशीट है। आज 28 सितंबर है। ये 6 to 8 के लिए होगी बच्चों। इसमें हम जानेंगे बच्चों एम और पीएम क्या होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे जो होते हैं 12 घंटे के अंतर के लिए एम और पीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे रात 12 बज के 1 मिनट बजे से दिन के 11 बज के 59 मिनट बजे तक समय के साथ एम। जैसे कि आज रात को, जैसे अभी आप जब भी देख रहे हैं मिडनाइट होता है ना, तो 12 बज के 1 मिनट से रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, सुबह फिर 9 10 11 12 बजे ना, तो 11 बज के 59 मिनट तक ये रहेगा एम, है ना। उसके बाद दोपहर के 12 बजे के बाद बन जाता है पीएम। तो इस तरीके का होता है ये, आप समझ सकते हैं, आसान है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ये जानते हैं आप, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ये इजी है। चलिए इसके ये अगले पोर्शन को देखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, उनको मैं समझा देता हूँ और लिख कर जवाब देंगे आपको। समय होता है एम और पीएम। अगर सुबह के 4 बज रहे तो 4 AM हो जाएगा, सुबह के 9 बज रहे तो 9 AM हो जाएगा, और शाम के 7 बज रहे तो 12 बजे के बाद आपने जाना कि जैसे कि दोपहर में 12 बजे के बाद पीएम हो जाता है, तो शाम को क्या हो जाएगा 7 PM। इसी तरीके से इनको देखते हैं, सुबह जगने का समय आपका क्या है, इसमें आप कर लेंगे, घड़ी बनाएंगे आप, ठीक है। नीचे कुछ काम दिए लिखे हैं, आप ये काम किस समय करते हो नीचे दी गई घड़ी में दर्शाइए। अब आपको यहाँ पे घड़ी बनाना मतलब घंटे की और मिनट की बड़ी सुई, दो सुइयाँ बनानी है और बताना है कि इस टाइम पे आप ये काम करते हैं। जैसे सुबह जगने का तो 6 बजे इस तरीके से बज जाएगा, है ना। और घर में पढ़ाई करने का तो ये हो जाएगा, आप सुबह 8 बजे से शुरू करते हैं खेल पढ़ना। खेलने का समय तो शाम को फिर 4 बजे से, यहाँ से ये 4 बज गया। और परिवार के साथ वक्त बिताने का समय तो रात शाम को 7 बजे से या फिर 8 बजे से, जब भी आपका है आप 9 बजे तक 10 बजे तक इस तरीके से, इसमें आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार ड्राइंग कर सकते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, इनको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, उपरोक्त घड़ी ए बी सी डी ये 4 घड़ियां हैं, ए से लेकर डी तक, ठीक है। संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ढाई किस घड़ी में बजे हैं, पहला देखिएगा, ढाई किस घड़ी में बजे हैं। तो बच्चों ढाई इस घड़ी में डी में बजे हैं, ठीक है, ढाई घड़ी डी में बजे हैं। दूसरा देखिएगा कि घड़ी बी में कितने बजे हैं। तो घड़ी बी ये रही, इसमें आपको 12 घंटे की और मिनट की दोनों सुई 12 पे दिख रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि घड़ी बी में 12 बजे हैं। किस घड़ी में 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट बाकी हैं। तो 12 बजने में 2 घंटे 45 मिनट, तो ये इसमें सी में। यहाँ देखिएगा, यहाँ 9 बज के 15 मिनट हो रहे ना, तो 2:45 इसमें और जोड़ देंगे तो सी वाली में बच जाएंगे कितने, 12 बजे, पूरे 12 बज जाएंगे। चौथा देखिएगा, 7:45 बजे का अर्थ है, 7:45 बजे का अर्थ होता है 7 बज के 45 मिनट, है ना। 7:45 बजे का मतलब होता है 7:45, ठीक है बच्चों, क्योंकि 7:45 का मतलब होता है क्वार्टर, 15 मिनट और हो जाएंगे तो ये 8 बज जाएगा इसमें। पांचवा देखिए, आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करते हैं अपने शब्दों में लिखो। तो ये हम अपने शब्दों का अपने शब्दों में बताएंगे कि हम सुबह कब उठते हैं, फिर कितने बजे तक फ्रेश हो जाते हैं, फिर कितने बजे पढ़ने बैठते हैं, ये सारा लिख कर मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेंगे इसको। तो ये है बच्चों आज की ओवरऑल वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आएगी मेरे साथ करके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ, स्टे होम।